श्री शिवाय नमस्तुभे, हर हर महादेव। देखिए, आज जो है 8 अप्रैल, 8 अप्रैल का दिन है और यहाँ पर शनिवार का दिन पड़ रहा है, ठीक है। और बैसाख का तृतीय दिन यानी कि दूसरा दिन है, तो इस दिन आपको मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, ये उपाय जो है बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, ठीक है। इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। उपाय कैसे करना है सब कुछ हम बताएंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आता है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका दिमाग काम नहीं करता है कि आप करें तो करें क्या। तो देखिए, आपके ऊपर अगर बहुत सारे संकट है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, दिन भर मोबाइल में लेकर के उसमें ही गेम खेलते रहते हैं, तब भी आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से क्या होगा, जो भी आपके घर में समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी कर्ज से लेकर रहे, जो भी धन से लेकर परेशान, सब कुछ परेशानी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपके बच्चा जो है उसके बच्चे का यहाँ पर भविष्य उज्ज्वल होगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इस उपाय को करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर समझकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए। अगर आप लोग हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 लौंग चाहिए। ध्यान रखना, ये उपाय लौंग से आपको करना है। आपको यहाँ पर मैं 2 उपाय बताऊँगा। कितना उपाय आपको बताऊँगा, मैं 2 उपाय बताऊँगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, उसके बाद ही आप उपाय करना। बहुत से बार ऐसे होते हैं, कमेंट हमें आते हैं कि भैया जो आपने उपाय बताया था, हमने उपाय करो कर लिया, लेकिन हर उपाय जो हमने किया उसका कुछ लाभ हमें नहीं मिला। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो, उसके बाद ही आप लोग उपाय करो। देखिए, जब भी उपाय आप करते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 लौंग चाहिए, ठीक है। तो आपको 2 लौंग ले लेना है। देखिए, यहाँ पर जो आप 2 लौंग लेंगे, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर फूल लगा हुआ है, तो ध्यान रखना ये इसमें फूल लगा होना चाहिए, यानी कि ये खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो फूल है, ये फूल लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब अभी आप यहाँ पर मार्केट में जाएंगे लौंग लेने, तो आपको ऐसे लेना है, ठीक है। अब देखिए, ये उपाय आप क्यों करेंगे, देखिए आपके जीवन में बड़े से बड़े कर्ज हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्ज हैं, तो यह आपका सारा कर्ज उतार देगा यह उपाय, ठीक है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ समस्या आ जा रहा है, यानी कि अड़चने आ रही है, और उस समस्या को आपको दूर करने के लिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए, ठीक है। या फिर बहुत से बार ऐसा भी होता है कि आपके दिन भर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर कर्जा जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आमदनी कम, यानी कि पैसे आप लोग कम कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खर्च जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए आपको ये उपाय करना है। तो आपको 2 लौंग यहाँ पर चाहिए, तो आप लोग 2 लौंग ले लेना। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जब 2 लौंग आप लेंगे तो यहाँ पर फूलवानी होनी चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना आपको खंडित नहीं होनी चाहिए ये लौंग। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सीधे चले जाएंगे शिवलिंग के पास, यानी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको चले जाना है। तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जब जाते हैं तो आपको क्या करना है वहाँ पर, ठीक है। अब आप जब 2 लौंग ले लेंगे तो आपको शहद की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप मार्केट में जाकर के कहीं से भी शहद ले लेना, ठीक है। शहद जो होगा वह स्वच्छ होना चाहिए, और उसके बाद आपने जो लौंग लिया था, यहाँ पर जो आपने 2 लौंग लिया था, इस लौंग को आपको क्या करना है, शहद में डुबो देना है, ठीक है, यानी कि डुबो देना है। अब उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर में, हमने आपको बताया भोलेनाथ के मंदिर में आपको जाना है। उसके बाद आप जाएंगे शिवलिंग के पास, शिवलिंग के पास जाएंगे, मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, यानी कि भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभे का जाप करते हुए आपको यह 2 लौंग जो है भगवान शिव के ऊपर, यानी कि शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देने हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अर्पित, जब आप शिवलिंग के ऊपर ये अर्पित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अर्पित करने से जो भी आपकी समस्या है, कर्ज से संबंधित समस्या है, वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और आपको भगवान भोलेनाथ के बगल में यहाँ पर बैठना है, बैठकर हाथ जोड़ना है, आँख बंद करना है, आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, और वहाँ पर आप विनती करेंगे कि हे भोलेनाथ, हमारे ऊपर इतने ज़्यादा कर्ज हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते कम है, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, तो इतना आपको वहाँ पर करना है। इतना आप जैसे ही करते हैं, आपकी सारी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी, भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। चलिए, आपको हम दूसरा उपाय बताते हैं, आप दूसरा उपाय कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब दूसरा उपाय आप करेंगे तो आपको क्या चाहिए, एक दीपक, यहाँ पर देखिए आप मिट्टी का दीपक है, आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए, और आपको 2 कपूर चाहिए। ध्यान रखना, आपको कपूर मार्केट से मिल जाएगा, तो आप कपूर ले लेना, क्या लेंगे, आप कपूर लेंगे और दीपक लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कपूर दीपक जो है आपको ले लेना है, और उसके बाद आपको 2 लौंग चाहिए। कितना, आपको 2 लौंग ले लेना है, ठीक है। हमने आपको पहले बताया कि ये लौंग वाला उपाय है, तो आपको 2 लौंग ले लेना है, ठीक है। आपको 2 लौंग और कपूर और दीपक यहाँ पर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे,
यहाँ पर जो कपूर दीपक लौंग आप लिए हैं, ये देखिए कर्ज यानी कि जीवन में जो आपके कर्ज है उस मुक्ति उससे मुक्ति आपको मिलेगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कपूर के अंदर, ठीक है, कपूर के अंदर आपको ये लौंग रखना है यानी कि इसे जलाना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ का आरती करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आप दीपक देख रहे हैं ये दीपक है, ठीक है, ये दीपक है, आपको इसके ऊपर पहले दो कपूर रखना है, ठीक है, कपूर को आपको जलाना है। उसके बाद आप यहाँ पर दो लौंग रखेंगे, लौंग जो है खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर जब इसे जला लेंगे तो भोलेनाथ का आपको आरती करना है, ठीक है, महादेव जी की आरती आपको करना है। आरती करने के बाद कपूर और जो लौंग है, ठीक है, थोड़ी देर बाद जो लौंग है वो यहाँ पर सूख जाएगा यानी कि जो जलता रहेगा उसे आपको जलते हुए नहीं पकड़ना है। जब यहाँ पर जलना बंद हो जाएगा उसके बाद जो लौंग है उसे आपको यहाँ पर बुकनी बना लेना है, ठीक है। बुकनी बनाने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर स्मरण कर देना है यानी कि अर्पित कर देना है, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस दोस्तों आपको इतना ही उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी कर्ज है, जो भी आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, जो आपको यहाँ पर गिराना चाहते हैं, बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि आप थोड़ा सा पैसा कमाने लगते हैं तो आपको बहुत से लोग गिराना चाहते हैं, तो ये सब करने से आपकी उपाय ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी अगर आप ये उपाय करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दो उपाय बताए हैं, दो उपाय में से आप कोई भी एक उपाय करके जरूर देखना, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कर्ज से हो या धन से हो, जो भी समस्या हो सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आपको उपाय करने में कोई भी समस्या आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर दूंगा। और उपाय करते वक्त आपको कोई भी गलती नहीं करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताएं और चैनल को प्रेस करें यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में जो घंटी दिख रहा है घंटी को दबाओ और उसके बाद आल वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले आप वीडियो को देखो और सबसे पहले आप उपाय को कर लो। जो पहले यहाँ पर उपाय करता है उसको ज़्यादा यहाँ पर फायदा मिलता है। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।